हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो फ्राइडे के लिए जो लेबल्स दिए थे उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और उसी के अकॉर्डिंग आपको मंडे के दिन आपको इसमें कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के हमारे फ्राइडे के मूवमेंट की। मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पर एक ट्राइंगल के ब्रेकआउट में है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो आपको शायद एक अपसाइड देखने को मिल सकता है इसमें। लेकिन देखोगे आप तो यहाँ पर इसने ओपन, मैंने आपको बताया था अगर 36,000, ये 35,950 के ऊपर निकलेगा, माफ़ी चाहूँगा 36,050 के ऊपर निकलेगा, तो यहाँ से आपको 36,200 के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो। चलिए हम बात कर लेते हैं 1 मिनट की कैंडल पर। मैं इसको टाइम फ्रेम को यहाँ पर छोटा कर रहा हूँ, ये मैंने टाइम फ्रेम को कर दिया 1 मिनट का, और हम आ जाते हैं फर्स्ट कैंडल पर। तो आप देखोगे इसने एक छोटा सा सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट दिखा था। इसने ओपन का 36,050 पर हाई लगाया, इसने 36,070 36,075 का 25 पॉइंट ऊपर गया, और उसी 1 मिनट की कैंडल में ही इसने लो लगा दिया। अब देखोगे 36,000 का, यानी कि बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी बाई कॉल बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं हुई क्योंकि इसका टोटल फेक ब्रेकआउट था। अब बात करते हैं हमारे जो मैंने आपको सेल दिया था, वो दिया था यहाँ पर कि अगर ये 35,900 के नीचे निकलेगा तो आप इसको सेल कर सकते हो। तो ये कॉल हमारी प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हुई। आप देखोगे शुरू की इसने 3 कैंडल में 35,900 को ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं किया। जब इसने 35,900 को ब्रेक किया तो इसने उसी कैंडल में लो लगाया। आप देखोगे 35,780 के आसपास का, आगे जाकर इसने लो लगाया 35,750 का, जो कि एक बेहतरीन प्रॉफिट था 150 पॉइंट का, जो आप काफ़ी आसानी से प्रॉफिट बुक कर सकते हो इसमें कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छा प्रॉफिट जरूर से देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं कल के लिए, यानी कि मंडे के लिए। मंडे के लिए आपको इसमें कैसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें एक बड़ा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, और अगर हम इस ओपनिंग कैंडल को इग्नोर करें जो कि ऑब्वियसली एक फेक ब्रेकआउट था, तो आप देखो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहा है। तो अब बैंक निफ्टी में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन यहाँ से एक बार अपसाइड निकलता है, माफी चाहूँगा मंडे के दिन, तो हम इसको बाई करेंगे। अगर ये 35,920 930 के ऊपर निकलेगा तो आपको ये हाई, यानी कि 36,50 60 के आसपास का जो एक हाई है, ये आपको फिर से टच कर सकता है। तो आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा अगर ये 35,920 930 के ऊपर निकलता है तो। बात करें अगर सेल के लिए, तो देखिए सेल के लिए हम इसको तभी सेल करेंगे जब ये जब अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आगे जाकर ये यहाँ तक जाने वाली है, जैसे ऐसे कैंडल बढ़ती जाएंगी ट्रेंड लाइन बढ़ता जाएगा। तो इसको हम तभी सेल करेंगे जब ये 35,800 के नीचे निकलता है। अगर बैंक निफ्टी 35,800 के नीचे निकलेगा तो फिर आपको बैंक निफ्टी में 35,650 के आसपास का आपको यहाँ पर आप जो एक सपोर्ट देख रहे हो 600 पर, इसको हो सकता है इस सपोर्ट को टच ना करे, उसके पहले ही बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करे, तो आपको 35,650 के आसपास का यानी कि 150 पॉइंट का आपको काफ़ी ईजी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर आप 35,800 के नीचे सेल करोगे, सस्टेन करना बहुत जरूरी है, जो सस्टेन करेगा तभी आपको इसमें सेल करना है। 35,800 के नीचे अगर ये सेल मिलता है तो आप सेल करोगे तो 35,650 के आसपास का टारगेट देखने को मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा जिगजैग बनाने के बाद 35,600 को ब्रेक करेगा तो फिर आपको 35,500 के आसपास का अवेलेबल देखने को मिल सकता है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में मैं उसमें कुछ इंट्राडे के बैंक निफ्टी के कॉल पोस्ट करता रहता हूँ, उससे भी आप काफ़ी कुछ बेनिफिट ले पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।